जो ये चाइनीज चूरन इन्होंने खाया दोस्तों, वो इनको पड़ गया भारी। कि भारत अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, प्रीएम्प्ट कर रहा है, प्रीएम्प्टिवली इंगेज होने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे एक होड़ लगी है कि किसी तरीके से भारत के साथ रिश्ते अपने सुधार, और हर मुमकिन कोशिश करेगा भारत के चाइनीज इन्फ्लुएंस को खित्ते के जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं उनके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस ना आए। ये मोइजू हटे जाए, you cannot survive without India. Maldives is one of the cornerstones of our neighborhood first policy. It is also one of our vision saga. Yehi wajah hai ki Dr. Jaishankar 3 din ke daure pe Maldives ja rahe hain. For 3 days today. Badi baat hai, ye 7 Maldives hai, 3 din bada lamba choda time hota. As well as of our commitment to the global south. To put it succinctly in the words of my Prime Minister Narendra Modi, for India, नेबरहुड इज अ प्रायोरिटी। आप इस एरिया में हैं, आप बिना इंडिया के सरवाइव कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी, आप सड़क पर जाइए सब लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ वो वागाटारी खोल दो। हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर ये किसी मुल्क में कहीं जाते भी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, तो इनको भिखारी के नाम से पुकारा जाता है। मालदीव्स क्योंकि एक मैरिटाइम नेबर है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, जैसे मैंने पहले बताया, और जो इंडिया का सगार का जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत ये जो दोनों ममालिक हैं, जारी बात है, ये बायलैटरल रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर रहेंगे मालदीव्स में। दोस्तों, ये वही मालदीव्स है जिसने बड़े ताने दिए थे, बड़ा उल्टा सीधा बोला था, और दोनों देश यानी कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते हो गए खराब। आपको स्टोरी पता है, मोदी जी गए लक्षद्वीप, वहां से कुछ फोटोज भेजी, लोगों को बोला लक्षद्वीप, इन लोगों को आग लग गई, यू नो द स्टोरी। मैं उस स्टोरी को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अचानक क्या हुआ कि यहां पे उनके कई मंत्री अच्छी अच्छी बातें करने लगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि नहीं, भारत तो हमारा बड़ा भाई है और ये है, और भारत हमारा क्या है, इंडिया इज आर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जब भी हम फंस जाते हैं, कोई इमरजेंसी होती है, हम इंडिया को डायल करते हैं, ये सब बातें कहने लगे। अच्छा, बीच में हुआ वाकया कि जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब वहां पे लाइन में खड़े थे कई सारे लोग, उसमें से एक मोहम्मद मुइजू भी था, यानी कि ये बंदा स्पेशली आया भारत मोदी जी के इनॉग्रेशन के लिए, और बाद में मोदी जी और इसकी कुछ बात भी हुई है कुछ मिनट के लिए। अच्छा, ये सब जो बातें थी ये ज्यादातर ढकी छुपी थी। बीच में एक और कांड हो गया कि चाइना ने बोला तुम्हारा क्रेडिट हम रोल ओवर नहीं करेंगे, फिर चाइना ने इनसे 30-35 इनके टापू ले लिए, यानी कि जो ये चाइनीज चूरन इन्होंने खाया दोस्तों, वो इनको पड़ गया भारी। अब यहां पे एक होड़ लगी है कि किसी तरीके से भारत के साथ रिश्ते अपने सुधारें, क्योंकि देखिए इनका काम चलता है पूरा टूरिज्म से दोस्तों। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टूरिज्म खत्म तो मालदीव्स खत्म। अब मालदीव्स ने, अब बकवास तो इन्होंने कर दी, भंड तो इन्होंने मार दिया, पर एक बार भंड इन्होंने मार दिया राइट, अब उसको वापस तो ले नहीं सकते ना, जो इन्होंने मोदी जी के लिए या भारतवासियों के लिए, अब दे कैन नॉट टेक इट बैक, इट इज सेड। दोस्तों, बीच में इन्होंने रोड शो भी करवाई भारत के 3 अलग अलग शहरों में, शामिल दिल्ली, कि आओ मालदीव्स आओ। आज मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये मालदीव्स आखिर जा क्यों रहे हैं, ये रिश्तों की जो खराबी थी ये सुधार की ओर कैसे जा रहे हैं रिश्ते। अब डॉक्टर जयशंकर दोस्तों और उनके जो काउंटर पार्ट है मूसा जमीर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मालदीव्स के, वो भारत भी आए थे, डॉक्टर जयशंकर से मिल के गए, डॉक्टर जयशंकर ने उनकी थोड़ी सी चाबी भी लगाई थी राइट। अब ये जो है, ये लोग इनॉग्रेट करेंगे प्रोजेक्ट्स, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, HICDP एंड लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। मुझे ये पता था कि भारत ये हाई इंपैक्ट वाले जो हैं, दे आर डूइंग दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भारत कर रहा है, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये मुझे दोस्तों नहीं पता था। टोटल 47 प्रोजेक्ट्स भारत वहां पे कर रहा है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, रनिंग ट्रैक बना रहा है, एजुकेशन सेंटर बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ स्टफ दैट इंडिया इज डूइंग इन मालदीव्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो भी प्रोजेक्ट्स करता है ना, आप इस चीज का ध्यान रखना, इंडिया जो भी प्रोजेक्ट करेगा, मालदीव्स में करेगा, अफ्रीका में करेगा, इंडिया वो प्रोजेक्ट करेगा जो आम आदमी के बेनिफिट के हैं।
क्यों हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को अफगान इतना पसंद करते हैं? तुम हिंदी, तुम आती, हिंदी। इंडियन नहीं बोलते वो लोग, हिंदी कहते हैं, ये हिंदी है, आओ तुम भाई है हमारा। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वहां पे इंडिया जाके बनाती है उनकी पार्लियामेंट, इंडिया जाके बनाती है उनकी रोडें, इंडियंस जाएंगे वहां पे बनाएंगे उनके लिए अस्पताल, उनके लिए स्कूल, उनके लिए डिस्पेंसरी, उनके लिए डैम, उनके लिए लाइब्रेरी, ये सब। तो एक आम आदमी के लिए प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है भारत के लिए। चाइना क्या बोलेगा? बंजर वीराना है, दूर दूर तक ना इंसान ना कुत्ता, 500 किलोमीटर तक सब वीराना बिल्कुल एकदम बंजर। बीच में चाइना बोलेगा कि $3 अरब का हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अब चाइना ने बना दिया और वो चाइना ने चढ़ा दिया $3 अरब उस देश के ऊपर लोन। अब वो क्या करेगा? चाटेगा उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। उसको चाहिए पानी, उसको चाहिए खाना, उसको चाहिए बच्चे के लिए एजुकेशन, उसको चाहिए बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई, ये चाइना देता नहीं है। तो भारत ने ये करा है। बीच में चाइना आया, चाइना ने अड़ंग ही मारी दोस्तों मालदीव्स में, और चाइना ने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, ये चलाए। वो करने के बाद हुआ ये कि ये लोग चाइना के गुण गाने लगे, चाइना के जैसे गुण गाए और इंडिया को इन्होंने साइडलाइन करना शुरू करा। मैंने उस समय भी बोला था, मेरे पुराने वीडियोस जाके देखना कभी, मैंने आपको बोला था कि इंडिया वापस गेम में आएगा, इंडिया वापस गेम में आएगा। और दोस्तों आप मेरी बात मान के चलो, एक साल के अंदर, मेरा ये मानना है, एक साल के अंदर मोदी जी आएंगे मालदीव्स, विद इन वन ईयर। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये मोइजू हटे जाए, यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया। आप इस एरिया में हैं, आप बिना इंडिया के सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी, आप सड़क पर जाइए, सब लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ वो वागाटारी खोल दो, वागाटारी बॉर्डर खोल दो। आपने देखा होगा YouTube पर कितने पाकिस्तानी छातियां पीटते हैं कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, टमाटर सस्ते आलू। देखो बात ये है कि इंडिया इज द बिगेस्ट पावर इन द रीजन। आप अगर इंडियन इकोनॉमी में प्लग इन हो जाते हैं तो आपके वारे न्यारे हैं, अगर आप इंडियन इकोनॉमी में प्लग इन नहीं होते हैं तो आपकी वाट लगेगी जैसे पाकिस्तान की लग रही है। पाकिस्तान के बुरे दिन कब आए? जब से पाकिस्तान ने बोला कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया ने तो सिर्फ बोला ठीक है आपकी मर्जी है यार। भाई हम इंडियंस, हम पाकिस्तानियों के सर पे बंदूक लगा सकते हैं क्या कि नहीं तुम हमारे साथ ट्रेड करोगे? हम नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है, उसकी मर्जी। पर जब पाकिस्तान फिर भारत से कहता है कि नहीं अब एक काम करते हैं यार, अब ट्रेड शुरू कर देते हैं, तो इंडिया कहता है जैसे पहले तुम्हारी मर्जी थी, अब भैया हमारी मर्जी, हम नहीं करना चाहते शुरू। सबकी अपनी मर्जी होती है। जब आपने बोला कि ट्रेड बंद करो भारत के साथ, हमने रिस्पेक्ट करा उस चीज का। हमने क्या कुछ करा उसमें? चूचू करे किसी ने कि नहीं आपको इंडिया के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी और ऐसा कैसे आप बंद कर सकते हैं? वी डिड नॉट से एनीथिंग। इमरान खान साहब गए एक दिन, इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं होगी। भारत ने बोला ठीक है, जो हुक्म, जैसा आपको ठीक लगे, आपका मुल्क है, आपने मना कर दिया। अब पाकिस्तानी बाप बाप कर रहे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सब देशों के साथ है, इसलिए मैं बांग्लादेश के बारे में भी कह रहा हूं, ये 6 महीने चुप रहो, आप शांत रहो 6 महीने, कुछ मत करो, बस वहां के जो हिंदू हैं उनको किसी तरीके से सेव करके लाओ, और बांग्लादेश के साथ और फर्दर एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनका पानी हो जाएगा सेटल, इनका पानी जब हो जाएगा सेटल और जब आटे दाल का भाव इनको पता लगेगा, ये बाप बाप करेंगे।